एंगुलर मोमेंटम के हमने पहले जो एग्जांपल्स किए हैं उनके अंदर ये और दो एग्जांपल्स और हैं। सपोज करो आपके पास एक कोई भी एक स्टिक है और स्टिक टेबल पे पड़ी हुई है ऐसे। आप कहेंगे ये तो ऐसे पड़ी हुई है। नहीं ऐसे नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे है। इसकी फोटो ऐसे ली और ऐसे दिखा दी आपको, तो आपको लग रहा है ये वर्टिकल लेकिन हॉरिजॉन्टल टेबल का टॉप व्यू है। तो ये रॉड यहां से हिंज्ड है, हिंज समझ लो, पेच लगा दिया, टक्कर हुई किसी पार्टिकल की तो खड़ी खड़ी तो घूम सकती है पर ये मूव नहीं कर सकती आगे टेबल के ऊपर, घूमती घूमती आगे नहीं जा सकती, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, प्योर रोटेशन होगी। और दूसरा केस है एक पार्टिकल इसको टक्कर मारेगा और ये हिंज नहीं है, अगर हिंज नहीं है तो घूमेगी भी और आगे भी जाएगी। तो पहला केस करते हैं जब ये हिंज्ड है, तो रॉड जब टेबल के ऊपर हिंज्ड है और एक पॉइंट मास आता है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, इसे हिट करता है और पॉइंट मास हिट करके रेस्ट पे आ जाता है। मान लो पॉइंट मास आता है, इसे हिट करता है और हिट करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन जो रॉड है वो घूमना शुरू कर देती है, घूमती है विद ओमेगा। तो आपको बताना है कि ओमेगा क्या होगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन यूज हो रहा है इसमें, टक्कर हो रही है इसमें, और टक्कर में एक चीज तो पक्का कंजर्व होती है, मोमेंटम। प्रॉब्लम ये है कि इसमें लीनियर मोमेंटम रॉड का होगा नहीं, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास किस पे पड़ा होगा, एट रेस्ट। इसमें क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल आया mu, तो mu कहां पर हिट कर रहा है, यहां पर हिट कर रहा है, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम o, o पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h वे से हिट कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट क्या जनरेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, लीनियर मोमेंटम mu इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये रहा mu, ये रहा h, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, mu इनटू h। अब वो जो पॉइंट मास है तो रेस्ट पे आ गया, अब एंगुलर मोमेंटम किसका जनरेट होगा, रॉड का। इसमें कितनी बॉडीज इन्वॉल्व है, दो, पहला कौन, पॉइंट मास, दूसरा कौन, रॉड। जब टक्कर लगी थी तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास से जनरेट किया था mu into h, रॉड का तो कुछ था ही नहीं। जब टक्कर हो गई तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा हो गया, पॉइंट मास का तो है ही नहीं, वो जीरो हो गया। तो यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम टक्कर से पहले mu h किसके इक्वल होएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम i into ओमेगा। तो क्या ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो ये इक्वेशन से आप ओमेगा निकाल सकते हो, और क्योंकि रॉड बीच में से हिंज्ड है तो आप क्या लगा सकते हो, ml स्क्वायर बाय 12 आंसर। तो रूल नंबर वन क्लियर है, जब भी इस टाइप की टक्कर होगी आप क्या लगाओगे, mu h into i times omega। सिर्फ यही नहीं, आपको अगर क्वेश्चन में रॉड की जगह कोई और फिगर आ जाए वो कहेगा मान लो एक मिनट के लिए ये आपके पास एक स्फीयर है, यहाँ पे m into v वेलोसिटी से एक पार्टिकल आता है और ये इसका एक्सिस है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ हिट करता है इसे, तो एंगुलर मोमेंटम ओमेगा क्या जनरेट होगा इस स्फीयर का, इनिशियली रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट मास का ये हो गया और ये रुक गया टक्कर मारने के बाद और इसने घूमना शुरू कर दिया विद आई टाइम्स ओमेगा, ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। तो कोई भी टॉपिक जब भी कोलिजन का होगा जिसमें स्ट्रेट मूविंग पार्टिकल बॉडी को रोटेट कर देती है तो एम वी आर इज आई ओमेगा लगना ही लगना है उसमें, ठीक, ये रूल नंबर वन है। नेक्स्ट है, अगर सपोज करो सेकेंड केस है और सेकेंड केस के ऊपर ये स्टिक है और ये स्टिक हिंज नहीं है और ये क्या कर रही है, ये घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, घूम भी रही है आगे भी जा रही है और आगे जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस बार सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, तो ऐसे जा रही है। रूल नंबर वन, टक्कर तो अभी भी हो रही है, तो एक चीज तो पक्का है, टक्कर से पहले एंगुलर मोमेंटम उस बुलेट का क्या होगा, एम यू एच, और वो रेस्ट पे आ गई, उसके बाद रॉड में घूमना शुरू किया विद आई टाइम ओमेगा, ये पहली इक्वेशन तो बननी बननी है। दूसरी इक्वेशन इसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन की भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास किसमें होगा, इन मोशन, तो ट्रांसलेशन मोशन में आप इमेजिन करें कि एम यू आर है और ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास पे लगती है और रॉड की शेप हमें चाहिए ही नहीं अगर हम काम सेंटर ऑफ मास पे कर रहे हैं, तो रॉड के लिए हम क्या लगाएंगे, टोटल मास एम लगाएंगे लाइंग एट रेस्ट, फिर टक्कर के बाद ये रेस्ट पे और रॉड मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास। ये तो नॉर्मल कोलिजन है आपकी, जो नॉर्मल कोलिजन आप करके आए हैं जिसमें लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है, मतलब mu plus 0 is equal to 0 plus m into v, center of mass, second equation है। Third equation है energy conservation, अगर मान लो elastic collision है, कोई loss नहीं है, तो bullet का half mu square, rod move नहीं कर रही,
फिर रॉड मूव कर रही है और आगे भी मूव कर रही है, सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, तो रॉड के लिए हाफ एम वी स्क्वायर तो लगेगा लगेगा, साथ में हाफ आए ओमेगा स्क्वायर भी लगेगा। आगे क्या करना है वो क्वेश्चन में देखेंगे, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर रॉड और बुलेट की टक्कर होगी या तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, ट्रांसलेशन मोशन में लीनियर मोमेंटम भी लगेगा, और अगर एनर्जी लॉस नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद नहीं किया जा सकता, तरीका बता दिया इसमें करना क्या है।